हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो में हम देखने वाले हैं बायबैक ऑफ शेयर व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन। ये ऑफर प्राइस क्या होता है? ऑफर प्राइस मीन्स जो प्राइस पे शेयर्स को बायबैक करना है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को बायबैक करना है वो यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को दिया था मीन्स 20% ऑफ पेड अप कैपिटल। तो हम लोग ने 20% पेड अप कैपिटल का फाइंड आउट कर लिया था, बट यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। और कैसे फाइंड आउट करने का, उसका एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट को हम लोग को जैसे दिया है सेम टू सेम बस वैसे ही लिखना है, और वो फॉर्मेट को आपको याद करना पड़ेगा। एक बार नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया, देन हम लोग को नॉर्मल प्रोसीजर एंट्रीज पास करनी है एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। डन। सो पहले हम लोग वो फॉर्मेट देख लेते हैं, ये फॉर्मेट क्या है। सो कंडीशन फॉर बायबैक व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन, कंडीशन मीन्स ये सब कंडीशन आप लोगों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, देन आप लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट हो जाएगा। फर्स्ट, सो फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे स्टेप्स, कंडीशन एंड अमाउंट। फर्स्ट सोर्स, सोर्स मीन कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे। सो फर्स्ट वन इज जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये सबको हम लोग ऐड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। क्या मिल जाएगा हमको, रिजर्व एंड सरप्लस। सेकेंड हम लोग का कंडीशन क्या रहेगा, 25% ऑफ ओन फंड। तो सबसे पहले ये ओन फंड क्या होता है, ओन फंड मीन्स रिजर्व एंड सरप्लस प्लस इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस जो ऊपर हम लोग ने फाइंड आउट किया है, बस ये तीनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ओन फंड मिल जाएगा। एंड उसका कितना परसेंट, 25% उसका फाइंड आउट कर लेंगे। ये सब हम लोग क्यों फाइंड आउट करने, ये आपको लास्ट में पता चल जाएगा। थर्ड वन, एक बार आपको ओन फंड मिल गया, थर्ड स्टेप है मिनिमम ओन फंड कैलकुलेट करना। तो ये कैसे कैलकुलेट होएगा, ओन फंड लेस 50% ऑफ डेट, दैट इज डिबेंचर। तो ओन फंड जो हम लोग को ऊपर हम लोग ने फाइंड आउट किया उसमें से 50% ऑफ डिबेंचर माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, मिनिमम ओन फंड। डन। फोर्थ वन, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। तो 25% हम लोग को किसका फाइंड आउट करना है, पेड अप इक्विटी, जितना इक्विटी पेड अप है उसका 25% फाइंड आउट करेंगे। देन हम लोग को क्या मिलेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। ये कैसे मिलेगा, इक्विटी फॉर एग्जांपल 60,000 दिया है तो उसका 25% हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। इसको इनटू कर देना है ऑफर प्राइस गिवन। ऑफर प्राइस मीन अभी बोला जो शेयर्स पे, जो वैल्यू पे हम लोग बायबैक करने वाले, बायबैक एट ऑफर प्राइस। तो कैसे मिलेगा, ए इंटू बी, दैट इज ए इंटू बी, ये मिल जाएगा। एंड लास्ट वन, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक, लिस्ट ऑफ वन ऑफ फोर, 1, 2, 4। तो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक क्या होगा, जो हम लोग ने चार स्टेप देखा अभी। सो मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा, जो ये चार है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वन, ये चारों में से जो सबसे लोअर अमाउंट रहेगा उसको हम लोग क्या लेंगे, बायबैक करेंगे। उतने अमाउंट का हम लोग बायबैक करेंगे एज पर द कंडीशन। समझा आप लोगों को, पहला ये फॉर्मेट के हिसाब से आपको चारों अमाउंट फाइंड आउट कर लेना है, फिर देखना है इसमें से सबसे स्मॉलर अमाउंट, सबसे छोटा अमाउंट क्या है, उतना ही वैल्यू हम लोग को बायबैक करना है। डन। देन एक बार अगर हम लोग को मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा आ गया 4 लाख रुपीज़, इतने का हम लोग को बायबैक करना है। नंबर ऑफ शेयर्स फिर कैसे फाइंड आउट होगा, मान लेते हैं हमारा ऑफर प्राइस है 40 रुपीज़, कैंसिल, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 10,000 शेयर्स, इतने शेयर्स हम लोग को बायबैक करना है। तो ये शेयर्स हम लोग ने क्यों फाइंड आउट किया, बिकॉज जब हम लोग एंट्री पास करेंगे तो हम लोग को ये नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। डन।
तो एक काम करते हैं, इसको पर पूरा एक सम सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट आप लोग का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो द क्वेश्चन इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ एम लिमिटेड अ नॉन लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2012 इज एज फॉलो। लाइबिलिटी साइड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच डैट इज ₹3 लाख, प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच ₹1 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम ₹1 लाख 50, जनरल रिजर्व ₹1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस ₹1 लाख, डिवेंचर ₹8 लाख, ट्रेड पेबल्स ₹1 लाख, एंड द एसेट साइड नेट ब्लॉक ऑफ फिक्स एसेट्स ₹8 लाख, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ₹1 लाख, बैंक ₹7 लाख 50,000 एंड टैली अमाउंट। कीपिंग अ व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट असर्टन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डैट एम लिमिटेड कैन बाय बैक एट ₹30 पर शेयर। तो ये जो 30 पर शेयर जो दिया है ये हमारा क्या है, ऑफर प्राइस, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफर प्राइस। समझा ऑफर प्राइस क्या होता है, बींग द करेंट प्राइस, अज्यूम डैट द बायबैक इज कैरिड आउट एक्चुअली ऑन द चेंज टर्म्स एंड अकॉर्डली रिकॉर्ड द एंट्रीज इन द जनरल एंट्री ऑफ एम लिमिटेड। सो आप लोग को क्या करना है, जितना भी कंपनी का लीगल रिक्वायरमेंट था कंपनी ने फुलफिल कर दिया है और इनका ऑफर प्राइस है 30, तो आप लोग को क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो कंपनी बायबैक कर सकती है। समझा क्वेश्चन, तो चलिए इसको सॉल्व करते। सो सम को हम लोग यही फॉर्मेट का में कंप्लीट कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन सोर्सेस क्या दिया है, जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व हमारे पास कितने हैं, जनरल रिजर्व इज 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख, देन हमारे पास क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,50,000, तो जनरल रिजर्व डैट इज 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,50,000, टोटल कितना हो जाएगा, 3.5 लाख। समझा, देन हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, 25% ऑफ ओन फंड, तो उसके लिए पहले हम लोग को ओन फंड फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसमें क्या क्या आता है, जनरल रिजर्व एज अबव जो ऊपर है 3.5 लाख, इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल कितना है, इक्विटी कैपिटल कितना दिया आप लोग को, 3 लाख, 3 लाख्स, देन हम लोग को क्या, प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस कितना है, 1 लाख, डन, तो इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 लाख, बट हम लोग को ये अमाउंट नहीं चाहिए, इसका कितना चाहिए, 25%, तो इसका जब 25% निकालेंगे तो मिल जाएगा 1,87,500। समझा यहाँ तक। सो द नेक्स्ट वन इज क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम ओन फंड, वो कैसे मिलेगा, पहले ओन फंड जो ऊपर दिया, ओन फंड कितना आया था, 7.5 लाख, 7.5 लाख, उसमें से क्या माइनस करना है, 50% ऑफ डिवेंचर, तो डिवेंचर कितना हमारे पास, 8 लाख्स, कितना है, 8 लाख, तो 8 लाख में 50%, 4 लाख, 4 लाख माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3.5 लाख। समझा यहाँ तक। एंड द लास्ट वन जो लास्ट में है, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल, तो हमारे पास इक्विटी कैपिटल कितना है, इक्विटी कैपिटल इज 3 लाख, तो इसका 25% जब निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 75,000। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, इसका फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है, 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो अपने को नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा 75,000 डिवाइड बाय 10, 7,500। फिर क्या है, ऑफर प्राइस, ऑफर प्राइस कितना दिया था, 30 रुपीस, कितना दिया है, 30 रुपीस, यहाँ पे डन। ये दोनों को इंटू करेंगे तो आप लोग को अमाउंट मिल जाएगा 2,25,000। समझा,
तो अब हम लोग को चेक करना है मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फॉर बायबैक लिस्ट ऑफ द वन एंड फोर। तो लिस्ट मतलब सबसे कम अमाउंट जो रहेगा वो हम लोग बायबैक कर लेंगे। तो सबसे कम अमाउंट कौन सा है? सो फर्स्ट वन जो है 3.5 लाख रुपये है, सेकेंड 1,87,500, थर्ड वन इज 3,50,000 एंड द लास्ट वन इज 2,25,000। तो सबसे स्मॉलर अमाउंट कौन सा है? 1,87,500। तो इतने अमाउंट का ही हम लोग बायबैक कर सकते हैं। डन। अभी आपको नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलेगा? सो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू मैक्सिमम अमाउंट फॉर बायबैक डिवाइड बाय ऑफर प्राइस। समझा? तो मैक्सिमम अमाउंट कितना था हमारा? ₹1,87,500 डिवाइड बाय ₹30। तो यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे 6,250 शेयर्स। समझा आप लोग को? अब हम लोग को क्या करना है? इसके ऊपर एंट्रीज पास करनी है, जनरल एंट्री पास करनी है।